हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, आज हम ACCA SBR जो है उसके टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए एसोसिएट की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एसोसिएट F3 और F7 दोनों के अंदर ही कवर था, तो हम एसोसिएट की अकाउंटिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं F7 के क्वेश्चंस के थ्रू, और उससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? ताकि हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जैसे हमने कवर किया, कंसोलिडेटेड P&L कवर किया, ऐसे ही हम एक बार एसोसिएट भी कवर कर देते हैं। क्योंकि जब SBR में क्वेश्चन आता है ना, तो वो मिक्सचर क्वेश्चन होता है, मतलब सब चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती है। आपको पता है क्योंकि 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और उन क्वेश्चन में भी डिस्कशन पे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ना कि आपके कैलकुलेशंस के ऊपर। कैलकुलेशन के भी मार्क्स होते हैं, बट सपोज अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है कि कैलकुलेशन के 3 मार्क्स हो और डिस्कशन के 7 मार्क्स हो, ठीक है? तो डिस्कशन में क्या है कि आप आसानी से मार्क्स ग्रेस कर सकते हैं, क्लियर? तो चलो हम एसोसिएट्स की अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एसोसिएट आपको पता है, जैसे नॉर्मली एसोसिएट के अंदर अपन क्या मानते हैं कि 20 से 50%, 20% से ऊपर हो गया और 50% तक एसोसिएट रहता है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस रहता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है। बट यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता तो क्या नहीं कर सकते? कंसोलिडेशन नहीं कर सकते, कंसोलिडेशन अलाउ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्विटी मेथड यूज करते हैं। इक्विटी मेथड क्या कहता है बताओ? इक्विटी मेथड कहता है कि हमें जब भी हम P&L बनाएंगे, या फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट की कि प्रॉफिट कैसे कंसोलिडेट होगा, अगर हम बात करें प्रॉफिट की पहले, P&L के अंदर जो प्रॉफिट है, तो वो एक सिंगल आइटम की तरह कंसोलिडेट होगा। और जितना पेरेंट का एसोसिएट के अंदर शेयर है, केवल उतना ही कंसोलिडेट होगा, ठीक है? जैसे मान लो आपने 30% शेयर एक्वायर कर रखा है, ठीक है, पेरेंट ने एसोसिएट में 30% शेयर एक्वायर कर रखा है, तो केवल 30% ही कंसोलिडेट होगा। फिर बैलेंस शीट भी ध्यान रखनी है आपको कि बैलेंस शीट में भी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं हो सकता। जैसे कि P&L में लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन अलाउ नहीं है, वैसे ही बैलेंस शीट में भी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन अलाउ नहीं है। लाइन बाय लाइन क्या होता है कि जैसे रेवेन्यू दोनों की जोड़ दी, पेरेंट की एसोसिएट की, बट ये अलाउ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर भी अपन लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं कर सकते कि सारी नॉन करंट असेट्स, चाहे वो पेरेंट की हो एसोसिएट की, ऐड कर दें, पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट ने अगर एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो पेरेंट की जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स करके आ रहा होगा, ठीक है? तो जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उस केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के बैलेंस को दिखा के रखते हैं, और इसी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के बैलेंस के अंदर ही हम चेंज कर देते हैं। जैसे सब्सिडी हमारी एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, और हमारा उसमें 30% शेयर है, ठीक है, हमारा मतलब पेरेंट का, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स डेबिट टू शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स। और ये शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स कहाँ चला जाएगा, ये सिंपल आपके जो पेरेंट कंपनी है उसके प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना? तो नॉर्मल बातें आपको पता है वैसे ही, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको क्लियरिटी से। फिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो अब कंसोलिडेशन तो हो नहीं रहा प्रॉपर तरीके से कि 100% चीज़ों को अपन कंसोलिडेट करते हैं, वो सब तो हो नहीं रहा यहाँ पे। तो जैसे हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, NCI कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब क्या कैलकुलेशन होगी यहाँ पे? नहीं, कोई गुडविल नहीं निकलेगी, कोई NCI नहीं निकलेगी, कोई स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बस सीधा जो भी हमारी एसोसिएट्स ने प्रॉफिट कमाया है पोस्ट के अंदर, पोस्ट मतलब जब आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस
एक्वायर किया था, इन्फ्लुएंस एक्वायर किया था उसके अंदर, 30% से ज्यादा शेयर एक्वायर करे थे। उसके बाद से जो भी प्रॉफिट है वो केवल हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ऐड करके दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स, और ये पेरेंट कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर ऐड हो जाएगा जाके, ठीक है, जो पहले से रिटेन अर्निंग होगी। एक ये बात याद रखनी है। अब कई बार क्या कहेगा क्वेश्चन अपन को, जब हम बैलेंस शीट या पीएनएल बनाएंगे, कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर इंपेयरमेंट हो गया, ठीक है, जैसे सब्सिडरी के अंदर गुडविल इंपेयर होती थी ना, तो वैसे ही इस इन्वेस्टमेंट में इंपेयरमेंट दे देता है। जैसे अपन को पता है कि F7 में भी क्वेश्चंस थे जब इन्वेस्टमेंट में इंपेयर दे देता था, तो अब सोचो जरा इन्वेस्टमेंट में इंपेयर क्यों दे रहा है ये, इन्वेस्टमेंट में इंपेयर देने का क्या लॉजिक है। हम लोग क्या करते थे, जब सब्सिडरी कंपनी की बात करें, सब्सिडरी कंपनी की, तो गुडविल कैसे निकालते थे, गुडविल हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऐड करके, अगर कोई NCI होती तो प्लस कर देते थे और माइनस नेट असेट्स करते थे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट, ठीक है ना, और नेट असेट्स जो एक्वायर करी हमने जिस दिन हमने सब्सिडरी एक्वायर करी उस दिन, और यहां पे आ जाती थी गुडविल, राइट, ऐसे ही करते थे। मींस इन्वेस्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कॉस्ट है, ये वो अमाउंट है जो हम लोग सब्सिडरी एक्वायर करते समय दे रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से सोचो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल का बैलेंस इंक्लूड होता है। ध्यान से सोचो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल का बैलेंस इंक्लूड होता है, ठीक है ना। बट क्योंकि हम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक से हटा देते हैं और नेट असेट्स को ले आते हैं, तो बात खत्म हो जाती है और गुडविल आ जाती है, ठीक है। बट यहां पे हम कर रहे हैं इक्विटी मेथड फॉलो, एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एसोसिएट्स की अकाउंटिंग के अंदर गुडविल तो निकलती नहीं है, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, अमाउंट पेड, और ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कॉस्ट इंक्लूड होती है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ही क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एसोसिएट्स, है ना, यही कि भाई हमने कितने में एक्वायर किया, तो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल इंक्लूड है, अगर आप ध्यान से सोचो तो, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन अपन को कहता है कि इन्वेस्टमेंट को इंपेयर कर दो, ठीक है, बाकी ये लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है, अपन तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली इंपेयर कर देते हैं, बट सोचो तो इन्वेस्टमेंट क्यों इंपेयर करवाते हैं वो लोग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं गुडविल का बैलेंस भी इंक्लूड रहता है, इसलिए वो बात अलग है कि अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करके देखते हैं और ज्यादा क्लियरिटी होगी इससे आपको। ये ACCA F7 का क्वेश्चन है, ठीक है, कापलान का स्टडी टेक्स्ट का। तो बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ 3 कंपनीज एज एट 31st December 2009। आपको पता था कि होल्डिंग, सब्सिडरी और एक एसोसिएट, इस तरीके से ही क्वेश्चन देता था F7 के अंदर, और ऐसे ही क्वेश्चन SBR में भी बड़े बड़े जब देता है तो देता वो देता है। बट क्या है, SBR के अंदर क्वेश्चन पूरा इसी के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं आता, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन के बेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, ये नहीं होता, उसमें वो डिस्कशंस के ऊपर डालता है, उसमें कई बार वो गलतियां करा के देता है कि देखो अकाउंटेंट ने यहाँ पे गलती कर दी है, गुडविल निकालते समय कैलकुलेशन कर दिया, इंपेयरमेंट ढंग से नहीं किया है, तो वो अपन को ठीक करना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं 2,622,000 शेयर इन ला, ठीक है, और 1,68,000 शेयर इन पो। तो ये अपन को इन्वेस्टमेंट्स और के दोनों के बैलेंस दे दिए, इन्वेस्टमेंट यहां पे है नहीं, ओके। करंट असेट्स में इन्वेंटरी, डेटर्स और बैंक का बैलेंस है, ये असेट साइड का टोटल हो गया। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला आइटम है इक्विटी शेयर्स, ठीक है, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल, टैक्सेशन। जरा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी, 6,72,000 शेयर्स लाला कंपनी में एक्वायर करे, लाला कंपनी के, ये देखो ये ला कंपनी है, ला कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 840, तो 672/840 × 100, ठीक है, क्योंकि $1 का एक शेयर है, क्लियर। तो कितना परसेंट एक्विजिशन हो गया जरा चेक करो, 672/840 × 100, 80% इसमें शेयर एक्वायर करें हैं, ठीक है,
यहां पे मैं लिख देता हूं 80%, मतलब सब्सिडरी कंपनी है ये। और इस केस में 5,60,000 शेयर है, ठीक है, और टोटल कितने हैं 168, 168 अपॉन 560, कितना हो गया ये 30%। मतलब ये क्या बन गई आपकी, एसोसिएट्स कंपनी बन गई। ठीक है, छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं अपन ऐसे करके। यू आर गिव ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या है इन्फॉर्मेशन, डिप्सी एक्वायर्ड इट्स शेयर इन लाला ऑन 1 जनवरी 2009 व्हेन लाला हैड रिटेन्ड लॉस ऑफ 56,000। रिटेन अर्निंग की जगह रिटेन लॉस दे दिया। डिप्सी एक्वायर इट्स शेयर ऑन पो ऑन 1 जनवरी 2009 व्हेन पो हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 1,40,000। तो देखो जिस दिन एक्वायर किया ना, ठीक है, उसी दिन की ही रिटेन अर्निंग या रिटेन लॉसेस दे रखे हैं, तो मतलब अपन को तो उसी दिन के चाहिए होते हैं नेटवर्थ, है ना। इंपेयरमेंट टेस्ट एट द ईयर एंड शो दैट गुडविल फॉर ला ला रिमेन अनइम्पेयर्ड। लाला कौन है इसकी, सब्सिडरी, तो सब्सिडरी में तो बोलता है गुडविल इंपेयर्ड नहीं हुई है, बट इन्वेस्टमेंट इन पो हैज बिकम इंपेयर्ड बाय 2800। पो के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट इंपेयर्ड हुए हैं 2800 से। तो पो कौन है इसका, एसोसिएट्स। द डिप्सी ग्रुप वैल्यू द एनसीआई यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई इन लाला ऑन 1 जनवरी 2009 वॉज 1,60,000। फिर प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ डिप्सी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। तो अपन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसमें बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो पहले किसका काम करते हैं, जो इसकी सब्सिडरी है ना, सब्सिडरी का नाम क्या है, ला ला, ठीक है, मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं सब्सिडरी। तो सब्सिडरी में तो काम वैसे ही होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बना लो आप, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, प्री पोस्ट और ये टोटल। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल है 8,40,000 की, ठीक है। सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, 602 आज है, है ना, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन 602, बट ओपनिंग में कुछ और दे रखा था, लॉसेस दे रखे थे कितने के, 56,000 के लॉसेस हैं, ठीक है। तो 56,000 इसको लॉस इधर लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, नेगेटिव में, तो पता लग जाएगा पोस्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो पोस्ट में आपका प्रॉफिट जो है वो है 658 का, ठीक है, इसको और इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 658, इसमें से माइनस करेंगे तभी तो 602 का आएगा बैलेंस, ओके। अब 840 माइनस 56, 784 और 658, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कोई रिवोल्यूशन नहीं है सब्सिडरी के अंदर, सिंपल है क्वेश्चन। होल्डिंग और एनसीआई का रेशो दे देते हैं, 80% रेशो निकाला था हमने, तो होल्डिंग का 80% और एनसीआई का 20%, राइट। यहां पे कुछ लिखेंगे नहीं, 658 का 80% कितना होगा, 526.4, ठीक है, और 20% 131.6। सेकेंड वर्किंग नोट, सेकेंड वर्किंग नोट गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है जरा चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है 644, प्लस एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है, एनसीआई की फेयर वैल्यू है 160, माइनस नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 784। तो 644 प्लस 160 माइनस 784 मींस 20 के यहां पे क्या गई, गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा भी था कि सब्सिडरी कंपनी के अंदर गुडविल के अंदर कोई भी इंपेयरमेंट नहीं है, ठीक है। ताकि आपके लिए इजी रहे चीजें, मैं एनसीआई यही निकाल दूं तो चलेगा,
ठीक है, एनसीआई एट एक्विजिशन एनसीआई कितनी थी? 160। और पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स कितनी हो रही है? एनसीआई कितनी बड़ी पोस्ट एक्विजिशन? 131.6। तो 160 प्लस 131.6 मींस 291.6। एनसीआई के बाद फोर्थ आइटम जो आता है वो आता है हमारा कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स पहले कितना है जरा चेक करो, रिटेन अर्निंग है पेरेंट का 1232 प्लस पोस्ट एक्विजिशन जो हमें किससे मिला, हमारी सब्सिडरी से प्रॉफिट, सब्सिडरी से कितना शेयर मिला? 526.4। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को अपन अभी क्लोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि इसके अंदर अभी दो एडजस्टमेंट होना बाकी है। आपको पता है कि इसमें एक तो पोस्ट एक्विजिशन जो शेयर आएगा फ्रॉम किससे आएगा? एसोसिएट से, ठीक है, और क्या आएगा? और इंपेयरमेंट लॉस आएगा, तो वो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीजें अभी हमें लिखना बाकी है। इंपेयरमेंट लॉस किसका? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का। तो अब हम काम जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे किसका? एसोसिएट्स का। हमारी एसोसिएट्स का नाम क्या है इस क्वेश्चन में? पो कंपनी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हैं तो अब हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें चेक करना होगा कि एसोसिएट्स की रिटेन अर्निंग आज कितनी है, मतलब क्लोजिंग में कितनी है। ठीक है, एसोसिएट की रिटेन अर्निंग है कितनी? 448। रिटेन अर्निंग नाउ 448। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट तो बनता नहीं है यहां पे, क्लियर। अब जिस दिन आपने एक्वायर किया था डिप्सी ने एसोसिएट्स को, तब कितनी रिटेन अर्निंग थी? 140। तो प्री एक्विजिशन कितनी थी? 140। तो मतलब पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितनी आ गई? 448 माइनस 140 मींस 308 की। और 308 में पेरेंट का शेयर कितना है? पेरेंट का शेयर है 30%। कितना हुआ? 92.4। अगर आपको थोड़ा कंफर्ट और चाहिए तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्री पोस्ट करके देख लो चाहो तो, ठीक है, बट यहां पे करते नहीं है वो काम, क्लियर। रिटेन अर्निंग कितना है? रिटेन अर्निंग जैसे अभी है 448, ओपनिंग में कितना था? 140, बाद में कितना आया? 308। इसमें होल्डिंग का शेयर मतलब पेरेंट का शेयर कितना है? 30%, 92.4। क्या इधर एनसीआई लिख सकते हैं 70% करके? नहीं, क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन फुल हो ही नहीं रहा, तो आप एनसीआई कैसे लिख दोगे उठा के, क्लियर क्या? तो बस ये 92.4 यहां पे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो बट ये तरीका ठीक नहीं रहता इधर, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स तो बनेगा ही नहीं, इसलिए क्लियर समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब ये आ गया 92.4, एसोसिएट्स का बैलेंस आ गया अपने पास, ओके, कितना अमाउंट आएगा। अब ये 92.4 कहां जाएगा? ये जाएगा, देखो इसकी डबल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फायदा हुआ ना आपको, इसलिए 92.4 टू प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स। और ये प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स कहां जाएगा? ये रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा पेरेंट की, समझे? तो यहां पे अगर आप देखो, अब मुझे एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, किसका? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का, क्योंकि मेरे को अब इस जनरल एंट्री को डालना पड़ेगा। तो एक तो हो गया
कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में ये प्रॉफिट चला गया, प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का बैलेंस कितना था पहले? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का बैलेंस था पहले 224 का, ठीक है ना। कॉस्ट कितनी थी? 224 की, प्लस शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स कितना आ गया? शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स आ गया 92.4। भाई अगर ये जनरल एंट्री डालोगे तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी ना, डबल एंट्री पूरी होगी तभी तो। तो एक डबल एंट्री का इफेक्ट कहां चला गया? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ गया। एक कहां चला गया? यहां पे प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। ये हो गई डेबिट क्रेडिट, बराबर हो गया, मतलब ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में एक और लाइन कह रहा है लास्ट, क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट हैज बिकम इम्पेयर्ड बाय 2800 इन पो कंपनी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इम्पेयर्ड हो गए तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर आपको F7 की गलती याद हो तो आपकी, आप भी करते होंगे शायद कई बार, कि इसका 30% कर देते थे। लेकिन 30% नहीं करना होता, क्यों नहीं करना होता? क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी 30% पे है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आपके ऑलरेडी 30% पे है, अब आप इसका भी 30% कर दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सीधा सीधा कितना करना है? 2800 करना है, ओके। 2800 मतलब यहाँ पे 2.8 हो जाएगा। 2800 तो पूरा लिख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि सारे फिगर थाउजेंड्स में चल रहे हैं। तो अगर मेरे से आप जनरल एंट्री पूछो तो क्या होगा कि इम्पेयरमेंट हुआ है ना, प्रॉफिट कम होगा, किसका? जो पेरेंट है उसका। तो प्रॉफिट कम होने की एंट्री कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट कितना था? 2800, हाँ 2.8 अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 2.8, ठीक है। तो यहां पे 2.8 आ गया लेस करके, और इधर भी लेस कर देंगे इंपेयरमेंट 2.8। अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट इंपेयर्ड करे हैं ये एक तरीके से गुडविल ही इंपेयर्ड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉस्ट होती है उसी के अंदर तो गुडविल होती है, ठीक है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचता है, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक कहां से आता है? जब हम ट्रेडिंग बनाते थे 11th क्लास में, 12th क्लास में, या कभी भी आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हो तो वो कहां से होता है? परचेजेस से। अगर परचेज नहीं होगी तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम बात है। तो 1232 प्लस 526.4 प्लस 92.4 माइनस 2.8 तो आ गया 1848, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 224 प्लस 92.4 माइनस 2.8 मींस 313.6, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, बैलेंस शीट बना लेता हूं, जिसे हम बोलते हैं CBS। क्या बैलेंस शीट में मैं लाइन बाय लाइन आइटम कंसोलिडेट करूंगा एसोसिएट के? नहीं। क्या मैं 30% करके कंसोलिडेट कर सकता हूं? नहीं, ठीक है। बस केवल इन दोनों को ही कंसोलिडेट करेंगे, इन दोनों को, ये इग्नोर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना हो गया? 1120 और 980, तो 1120 प्लस 980 मींस 2100 आ गया, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो ध्यान से, पहले तो लिख दो गुडविल। गुडविल जो सब्सिडरी की आई थी, वो गुडविल कितनी थी सब्सिडरी की जो आपने निकाली थी? 80, ये सब लेस कर कर आके 20, ठीक है। तो गुडविल 20, फिर लिख दो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, कि एसोसिएट्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ना, तो वो भी बैलेंस भी आएगा। कितना आएगा? 313.6। और क्या आएगा इसकी जगह, मतलब इसके बाद? फिर इन्वेंटरी, डेटर्स और बैंक तो ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो इन्वेंटरी कितनी आ गई? 380 प्लस 640, 1020। फिर डेटर्स
डेटर्स 190 प्लस 310 मींस 500, 500 के डेटर्स आ गए। बैंक का बैलेंस कितना आ गया? बैंक का बैलेंस आ गया 35 और 58 मींस 93, ये बैंक का बैलेंस आ गया। क्लियर? अब और कोई आइटम बचा नहीं तो अब आप इसका टोटल लगा सकते हो। 2100 प्लस 20 313.6, 1020, 500 और 93 मींस 4046.6। अब आते हैं किस पे? इक्विटी एंड लायबिलिटी पे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो जरा चेक कर लो पेरेंट की शेयर कैपिटल कितनी है। पेरेंट की शेयर कैपिटल है 1120, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग आपने अलग से निकाला है, ध्यान रखना, 1848। फिर एनसीआई। क्लियर? सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखे करो, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी ठीक रहेगा। एनसीआई कितना है? 291.6। एनसीआई के बाद क्या आएगा? एनसीआई के बाद आएगा ट्रेड पेबल्स और टैक्स, ठीक है। तो ट्रेड पेबल एंड टैक्सेशन, तो ट्रेड पेबल में आ गया 150 प्लस 480, कितना हो गया? 630। और टैक्स में 91 प्लस 66, तो 157, 630 और 157। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आपकी बैलेंस शीट क्या है, कंप्लीट हो गई। 1120 प्लस 1848, 291.6, 630 और 157, तो 4046.6, ठीक है, ये आ गया आपका बैलेंस। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को कर लो, फिर ना आगे क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करके देखो। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में तो अपन करेंगे ही क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लासेस में एसोसिएट की अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया था। हमने कहा था कि एसबीआर के लिए F7 का रिवीजन करना जरूरी है, वरना चीजें अपन को एसबीआर में डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एसबीआर की बुक्स में बहुत शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है। और वो भी रिविजन के तौर पर समझाने के लिए केवल फॉर्मेट जो होता है, टेम्पलेट जो होता है, वो डाल दिया एज इट इज। तो हमने एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इलस्ट्रेशन था। आज हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ थ्री एंटिटीज एज एट 30th September 2008। क्या है बैलेंस शीट के अंदर? एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 10,000 के। करंट असेट्स है शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। पी एक्वायर्ड 75% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस सेवरल ईयर्स अगो, बहुत साल पहले एक्वायर्ड किया था, पेइंग $5 million इन कैश। एट दिस टाइम द बैलेंस ऑफ द एस रिटेन अर्निंग वॉज 3 million। तो बोल रहा है इसी टाइम, इसी समय की जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था वो 3 million था। तो अच्छी बात है, अपन को ओपनिंग बैलेंस दे दिया रिटेन अर्निंग्स का, प्री का प्रॉफिट दे दिया सब्सिडरी के लिए, ठीक है। 75% शेयर है तो सब्सिडरी हो गई, और 5 million इन कैश पे करा है, मींस ये इन्वेस्टमेंट है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5,000 जो है इस 10,000 में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया वो है। बाद में बोलता है पी एक्वायर्ड 30% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस ऑन 1st October 2006। क्वेश्चन में डेट देखो जरा, 30th September 2008, ठीक है। तो करीबन करीबन 2 साल पहले की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना टाइम एडजस्टमेंट भी होता। पेइंग 7,50,000 इन कैश एज एट 1st October 2006, द बैलेंस ऑफ
द बैलेंस ऑन ए रिटेन अर्निंग वॉज 1.5 मिलियन। बोल रहा है कि 7.5 लाख कैश दिए, ठीक है, तो 7,50,000 मतलब 750 हो गया, ठीक है, थाउजेंड्स कॉमन है, क्लियर। और बैलेंस रिटेन अर्निंग का इसी दिन का है 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब जब हम इसको ओपन करेंगे तो 15 लाख होगा, 15 लाख में से मैं 3 जीरो हटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1500। क्लियर क्या? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन क्वेश्चन कई बार इनकी वजह से भी गलत हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए, ए कौन है, एसोसिएट्स, ठीक है। तो पी ने ए को गुड्स बेचा फॉर 1 मिलियन एट अ मार्कअप ऑफ 25% एट अ ईयर एंड स्टिल हेल्ड 1/4 ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंटरी। तो ये किसका पॉइंट हो गया, अनरियलाइज प्रॉफिट का। अब आपको पता है अगर ध्यान हो तो, चाहे पेरेंट ने एसोसिएट्स को गुड्स बेचे हों चाहे एसोसिएट्स ने पेरेंट को, एडजस्टमेंट जो होता है अनरियलाइज प्रॉफिट का एसोसिएट के केस में, क्योंकि एसोसिएट्स है तो इस केस में एडजस्टमेंट ये नहीं देखा जाता कि किसने किसको गुड्स बेचे हैं, सीधा एडजस्टमेंट होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का एक वर्किंग नोट बनाया था बैलेंस निकालने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कम करने के पीछे लॉजिक क्या होता है अगर आपको समझना है तो, लॉजिक सिंपल ही होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं एसोसिएट्स के अंदर कंसोलिडेशन तो करते नहीं है लाइन बाय लाइन आइटम्स का, ठीक है, 100% तो कोई कंसोलिडेशन होता नहीं है, तो हम अपनी बुक्स में क्या दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स दिखाते हैं। जो पेरेंट है वो अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स दिखाता है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ जाता है और जो शेयर आता है एसोसिएट से वो भी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स मतलब कि कितना अपन ने पैसा लगाया एसोसिएट्स के अंदर, राइट, स्टार्टिंग का बैलेंस अगर अपन देखें तो, जो अपन ने कॉस्ट पे करी जैसे 750 है, तो मैंने बताया था इसके अंदर ही गुडविल इंक्लूड होती है और इसी के अंदर नेट असेट्स भी इंक्लूड होती है। सोचो आप अपन सब्सिडरी में क्या करते हैं, सब्सिडरी में अपन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बुक्स में से हटा के जो सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स है उसको लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के अंदर ही तो नेट असेट छुपी होती है कि इन्वेस्टमेंट्स को हटाया रिप्लेस किया विद नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है ना। लेकिन जब हम एसोसिएट कर रहे हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बुक्स में हटाते नहीं है, रिमूव नहीं करते, तो इन्वेस्टमेंट आते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही क्या क्या छुपा रहता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल छुपा रहता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही नेट असेट्स छुपे हुए रहते हैं, तो नेट असेट्स के अंदर ही तो इन्वेंट्री भी होगा छुपा हुआ, समझ रहे हो बात को। इसलिए एंट्री क्या होती है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग टू इन्वेंट्री। रिटेन अर्निंग क्यों डेबिट किया, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो नॉर्मल चीज है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग पी वॉज ओड 2,50,000 बाय ए एट द रिपोर्टिंग डेट, दिस एग्री विद द अमाउंट इंक्लूडेड इन द एज ट्रेड पेबल्स। ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन एक बार बताओ आप, ये बोल रहा है कि 2,50,000 का बैलेंस है ए के साथ, पी का पेरेंट और एसोसिएट्स का आपस में बैलेंस है, क्या हम एसोसिएट्स के कोई भी आइटम को उठा के कंसोलिडेट करेंगे, नहीं। तो जब कंसोलिडेट ही नहीं करेंगे तो ये लाइन किस काम की, ठीक है। एट 30th September 2008 इट वॉज डिटरमाइंड दैट द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स वॉज इम्पेयर्ड बाय 35,000, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट में ही गुडविल छुपी हुई होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर ही सब कुछ है, गुडविल भी है, नेट असेट्स भी है, सब कुछ है, ठीक है। सोचो आप, हमने 750 पे करे, क्यों, क्योंकि हमें सब्सिडरी, क्योंकि हमें एसोसिएट की 30% नेट असेट्स मिल गई और हमने एक्स्ट्रा पे करे किस बात के, गुडविल के, और टोटल हमने कितने पे करे, 750, ठीक है।
द एनसीआई आर वैल्यूड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड. द फेयर वैल्यू कितनी है? 1600. आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले अपन वर्किंग नोट्स बना लेते हैं. वर्किंग नोट में सबसे पहले किसका काम करते हैं अपन? सब्सिडरी का काम करते हैं. ठीक है, तो सब्सिडरी में अपन बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, प्री, पोस्ट और टोटल. राइट, तो एक तो ले लेते हैं शेयर कैपिटल और एक ले लेते हैं रिटेन अर्निंग. ये तो नॉर्मल चीज है. प्री, प्री में रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल देख लेते हैं एक बार पहले कितना है. 1000 और 5500 टोटल है. 1000 शेयर कैपिटल और 5500 रिटेन अर्निंग्स. शेयर कैपिटल का बैलेंस तो स्टार्टिंग में भी यही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. रिटेन अर्निंग्स के लिए क्वेश्चन में लिखा था कि एट दिस टाइम द बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग वॉज 3 मिलियन. ठीक है, तो ये 3000 हो गई और ये 2500 हो गया, तो ये 4000 हो गया और ये 2500 हो गया. होल्डिंग और एनसीआई में डिवाइड कर देंगे. होल्डिंग का रेशो कितना है? 75% और एनसीआई का 25%. तो 2500 का 75% 1875 और 25% मतलब 625. ठीक है, वर्किंग नोट सेकंड बना लेते हैं. गुडविल कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? ठीक है, ध्यान रहे अपन सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हैं अभी. तो 5000 था प्लस एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा था फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितना है? 1600 माइनस नेट असेट्स कितना है एक्विजिशन डेट पे? 4000. तो गुडविल कितना है? 2600 की गुडविल. ऐसे ही एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं एनसीआई का. एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितनी है? एनसीआई एक्विजिशन डेट पे है 1600 की. ठीक है, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना है जो एनसीआई का है? 625. तो 1600 प्लस 625 मींस 2225. ठीक है, नॉर्मल चीज है. ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका. फोर्थ पॉइंट बना लेते हैं किसका? रिटेन अर्निंग्स जो कंसोलिडेटेड होगी. तो पहले पेरेंट की रिटेन अर्निंग चेक कर लेते हैं. पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? पेरेंट की रिटेन अर्निंग है 7500 की प्लस पोस्ट शेयर फ्रॉम, एक तो सब्सिडरी से हमें पोस्ट शेयर मिला वो चेक कर लो कितना है, 1875. अब आपको इस वर्किंग नोट को खुला रखना है, ओपन रखना है. क्यों? क्योंकि अब मुझे काम करना पड़ेगा किस पे? एसोसिएट्स पे. ठीक है, तो एसोसिएट में सबसे पहला क्या है कि भाई हमने एसोसिएट को 30% जैसे 30% ही है इस क्वेश्चन में, 30% उसको हमने उसके उसके लिए हमने पेमेंट कर रखा है 750 का. तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ रहा है, उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे जैसे लास्ट क्लास में सीखा था. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि टोटल रिटेन अर्निंग कितना है आज क्लोजिंग एसोसिएट का. एसोसिएट का क्लोजिंग है आज 2500 का. ठीक है, जिस दिन शेयर एक्वायर करे थे मींस प्री की रिटेन अर्निंग कितनी थी? क्वेश्चन में गिवन है प्री की रिटेन अर्निंग थी, देखो, ऑन 1st अक्टूबर 1500. तो पोस्ट की रिटेन अर्निंग कितनी हो गई? 1000.
उसमें हमारा शेयर कितना है, एसोसिएट एसोसिएट के अंदर हमारा शेयर कितना है, 30%, मतलब 300 का। ठीक है, तो ये शेयर कहाँ चला जाएगा, इसकी डबल एंट्री क्या होती है बताओ, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग के अंदर जुड़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट का एक वर्किंग नोट बना लेंगे अभी अपन। तो ये एसोसिएट के अंदर अपन ने पोस्ट शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स कितना जुड़ गया, 300 का। ठीक है, और क्या एंट्री करोगे बताओ, या और क्या ट्रांजेक्शन होगा, ये 300 ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट्स, एक बैलेंस नया खोल लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इसको मैं फिफ्थ नाम देता हूँ, इसको सिक्स्थ देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 750 थी शायद, इसमें पोस्ट प्रॉफिट ऐड कर दो, कितने का, 300 का। ठीक है, डबल एंट्री करोगे तो गलती नहीं होगी, बैलेंस शीट मैच खाने में कोई इशू नहीं आएगा। फिर क्या बोल रहा है कि एक तो गुड्स थे, ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर 1 मिलियन एट अ मार्कअप ऑफ 25% एट द ईयर एंड, स्टिल 1/4 ऑफ दीज गुड्स इन द इन्वेंटरी। ठीक है, तो मार्कअप ऑफ 25% मतलब क्या हुआ, मार्कअप ऑफ 25% हुआ कि कॉस्ट पे है। ठीक है ना, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट लिया गया है, तो ये 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1000। ठीक है भाई, 10 लाख है, 3 जीरो हटा दो, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 1/4, 1/4 ऑफ दीज गुड्स आर इन द हैंड। ठीक है, फिर 1000 इंटू 25 बाय 125 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ, 50, और 50 का भी 30% शेयर जो है वो है हमारा जो ब्लॉक हुआ है। ठीक है ना, तो क्योंकि हम एसोसिएट्स में कितना हिस्सा रखते हैं, 30%, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15 का। ठीक है, तो एक तो ये कहां से कम होगा, एंट्री क्या बताई थी, एंट्री हो गई रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15। ठीक है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट 15, अनरियलाइज प्रॉफिट 15। ठीक है, और कोई इंपेयरमेंट, गुडविल का इंपेयरमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का इंपेयरमेंट हो रहा है कितना, 35,000 से। ये ऑलरेडी 30% पे होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 30% ही है। ठीक है, तो इसका 30% दोबारा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है अपन को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंपेयर करने की अगर एंट्री करेंगे तो वही रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 35,000 से। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा इंपेयरमेंट कितना, 35,000, और यहां पे भी इंपेयरमेंट 35,000। अब आपकी डबल एंट्री में गड़बड़ नहीं हो सकती है ना, तो पहले हमने इसका बैलेंस निकाला, रिटेन अर्निंग का 9625, इन्वेस्टमेंट का 750, 300 माइनस 15 माइनस 35, 1000 का इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, मैं पीछे की तरफ बना लेता हूँ बैलेंस शीट इधर, ताकि मेरे को पेजेस बार बार कम पलटने पड़ेंगे, स्लाइड्स कम चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना कितना है, 14,000 और 7,500, तो 14,000 प्लस 7,500 कितना हो गया, 21,500। ठीक है, फिर ले लो इन्वेस्टमेंट बैलेंस था, तो सबसे पहले ले लो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कितना आया था, 1000 आया था शायद, 1000। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 1000 के। फिर ले लेते हैं अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये चेक करो अदर इन्वेस्टमेंट कितने हैं, अदर इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 के टोटल थे, ये 5750 लेस कर दो, तो 10,000 माइनस 5750 मीन्स
4250 के अदर इन्वेस्टमेंट हो गए। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, गुडविल। तो गुडविल कितना है, 2600, 2600। फिर नेक्स्ट आइटम करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में ये एडजस्टमेंट मत कर देना कॉन्ट्रा वाला, है ना, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रा आ ही नहीं रहा। हम एसोसिएट्स के कुछ डेटर क्रेडिटर को ऐड करते ही नहीं है, तो बात है ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6+3 ये हो जाएगा 9000। क्लियर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी पे चलते हैं, ये कितना है, 10000 का इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल 10000। फिर रिटेन अर्निंग्स कितना है, जरा चेक करो, रिटेन अर्निंग्स है 9625। उसके बाद एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 2225। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी 8000+1250 मीन्स 9250। फिर करंट लाइबिलिटी 4500+2750 मीन्स 7250। तो ये हो गया अपने पास सारा का सारा बैलेंस शीट के फिगर। तो पहले 21500+1000+4250 2600 और 9000 मीन्स 38350। 10,000, 9625, 2225, 9250, 7250 means 38350। ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अंडरलाइज प्रॉफिट आपने इसमें थोड़ा सा नया सीखा, मतलब नया मतलब कि F7 में भी था, हमने तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ACCA SBR के अंदर जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो एसोसिएट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जैसे F7 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस से आपको SBR के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि अब एम्पल प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि SBR में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 25-30 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो पाते हैं, ठीक है। तो अपने जो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए हैं उसके बाद आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसका मजा ही अलग रहेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी एक्वायर 80% ऑफ एस ऑन 1 दिसंबर 2004 पेइंग 4.2 इन कैश पर शेयर। क्या बोल रहे हैं, पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर दिया कितना परसेंट, 80% शेयर एक्वायर कर दिए, और कितना कैश पर दिया है शेयर, $4.25 पर शेयर कैश दिया है। तो अगर आप शेयर्स देखो सब्सिडरी के, तो 500 है, $1 का एक शेयर है, तो मतलब 500 शेयर होंगे क्वांटिटी में, तो 500 शेयर का 80% आपने एक्वायर कर लिया, तो 500 का 80% कितना होता है, 500 का 80% होता है 400 शेयर्स, और 400 शेयर्स आपने एक्वायर किए, हर शेयर के बदले कितने दिए, $4.25, है ना। तो 400 × 4.25 मीन्स $1700 आपने कंसिडरेशन पे किया है टू सब्सिडरी, ठीक है ना। तो सब्सिडरी का जो कॉस्ट आ रही है आपकी वो इतनी आ रही है इन्वेस्टमेंट्स की, ओके। तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अपनी बुक्स में कितने आ रहे हैं, 1825, तो इसमें से 1700 तो केवल सब्सिडरी वाले ही हो गए।
राइट। एट दिस डेट द बैलेंस ऑन एस रिटेन अर्निंग वॉज 8,70,000 डॉलर्स। बोल रहा है कि इस दिन सब्सिडरी कंपनी का रिटेन अर्निंग्स इतना था। ऑन 1 मार्च पी लिमिटेड एक्वायर 30% ऑफ ए ऑर्डिनरी शेयर। तो ए कंपनी के आपने इक्विटी शेयर खरीद लिए 30%। ए कौन हो गया? एसोसिएट्स। द कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड बाय अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 4 new shares इन पी फॉर एवरी 3 shares एक्वायर्ड इन ए। बोल रहा है कंसिडरेशन कैसे सेटल किया गया कि 4 share दिए गए नए खुद के पी के और हर 3 share के बदले, ठीक है ना। तो जरा चेक करो कितने शेयर थे उसके, 250। तो 250 इंटू 30% कितना हो गया, 75 जो आपने शेयर्स एक्वायर करे होंगे, ठीक है ना। 250 का 30% 75। आपने पेमेंट कैसे किया, आपने 4 share इशू करे हैं पी के फॉर एवरी 3 share इन ए, तो हर 3 के बदले 4 shares। तो 75 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 मीन्स आपने 100 shares जो है इशू करे हैं, ठीक है। द शेयर प्राइस ऑफ पी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज $5। बोल रहा है $5 जो थी शेयर प्राइस थी डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, तो कितना हो गया, $500 का टोटल कॉस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ठीक है। पी हैज नॉट येट रिकॉर्डेड द एक्विजिशन ऑफ ए इन इट्स बुक। पी ने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो सबसे पहले तो अपन को जो चीज नहीं रिकॉर्ड करी गई है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से, 2 share capital, ठीक है। अब शेयर कैपिटल देखो, $1 का शेयर है पी का खुद का भी, है ना, सारे सबके $1 के शेयर हैं, और मार्केट प्राइस कितनी चल रही थी, 5, तो मतलब $4 का क्या रहा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 2 share capital 2 security premium रिजर्व। ये कौन कर रहा है अपनी, किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, ये बुक्स ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो इसका बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट लेना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 400, और ये सॉरी ये 100 और ये 400, ठीक है। शेयर कैपिटल तो 100 की आ गई और प्रीमियम 400 का आ गया, है ना। 100 शेयर्स हैं तो 100 इंटू 1 कितना, 100, 100 की तो शेयर कैपिटल, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 का प्रीमियम। नॉर्मल बात है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो अपन ने ये सारी चीजें देख ली। आगे क्या बोल रहा है, आगे अपन को बैलेंस शीट दे रखी है तीनों कंपनी की, उसमें क्या है, नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी अलग अलग है क्या, नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों का, प्रॉपर्टी अलग है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग है, इन्वेस्टमेंट्स अलग है, ठीक है। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट 1825 है, और 1700 के तो सब्सिडरी वाले इन्वेस्टमेंट थे, तो बाकी 125 के जो बच गए वो कौन से इन्वेस्टमेंट हो गए, अदर इन्वेस्टमेंट, और एसोसिएट्स वाले इन्वेस्टमेंट तो इसने रिकॉर्ड ही नहीं करे, ठीक है। तो ये अदर इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इन्वेंटरी, डेटर्स, कैश, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी 10% लोन, करंट लाइबिलिटीज के अंदर पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और टैक्स। एट 1 December 2004 द प्लांट इन द बुक्स ऑफ एस वॉज डिटरमाइंड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 50,000 इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। द प्लांट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years एट दिस डेट। आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसने एक्वायर कब किया है सब्सिडरी को, 1 December 2004 को, ठीक है। और ये बैलेंस शीट हमें किस दिन की दे रखी है, 30 November 2007, ठीक है। और इस दिन की हमें रिटेन अर्निंग्स भी दे रखी है। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है,
इस क्वेश्चन में पोस्ट पीरियड कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर? 3 ईयर्स है। क्यों? 1 दिसंबर 2004 से लेकर 30 नवंबर 2007 तक कितने साल होते हैं? 3 साल। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे गिने करो। ठीक है, दूसरी बात के हमें 1 दिसंबर 2004 की प्लांट की रिवैल्यूड प्राइस दे रखी है, फेयर वैल्यू दे रखी है, तो यही तो चाहिए होती है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एस सोल्ड गुड्स टू पी, सब्सिडरी ने गुड्स बेचे पेरेंट को। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड्स बेचे, क्या बोलते हैं इसको? अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कम होंगे। सब्सिडरी का प्रॉफिट कहां पे होता है? वो जो स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते हैं ना, उसमें। तो 4 लाख के गुड्स बेचे हैं एट अ मार्कअप ऑफ 25%। सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू पी फॉर 4 लाख। ठीक है, 4 लाख की सेलिंग प्राइस है और मार्कअप कितने का है? 25% का, मतलब कॉस्ट प्लस 25%। पी हैड अ क्वार्टर ऑफ दीज गुड्स स्टिल इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सितंबर 2004 ए सोल्ड गुड्स टू पी फॉर 1,50,000 डॉलर्स। एसोसिएट्स ने पेरेंट को गुड्स बेचे, दीज गुड्स हैड कॉस्ट 1 लाख डॉलर, पी हैड 90,000 डॉलर्स इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। तो ये भी नॉर्मल चीज है, अपन को पता है, मैंने आपको बताया था, जब भी एसोसिएट्स और पेरेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होगा और अनरियलाइज प्रॉफिट की बात होगी, तो हमें केवल इतना सा करना है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर देनी है और जो रिटेन अर्निंग्स होता है, जो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स होता है, उसकी उसकी जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इसमें ये नहीं देखते कि एसोसिएट्स ने पेरेंट को बेचा कि पेरेंट ने एसोसिएट्स को बेचा, ऐसा क्यों नहीं करते? इसके पीछे सिंपल लॉजिक होता है कि एसोसिएट्स से जो पेरेंट को मिल रहा है, एसोसिएट्स से जो पेरेंट को शेयर मिलता है, वही हम क्लब करते हैं, वही जोड़ते हैं। जैसे 30% मिल रहा है तो 30% ही जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो चाहे एसोसिएट्स में से कम करोगे, है ना, एसोसिएट्स में से कम किया, मान लो एसोसिएट्स ने गुड्स बेचा पेरेंट को, तो तुमने बोला नहीं सर एसोसिएट के प्रॉफिट में से कम कर दो, तो एसोसिएट के प्रॉफिट में से कम करोगे, फिर 30% वापस से निकालोगे उसका, तो कोई सेंस नहीं बनता, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो जुड़ेगा तो पेरेंट के प्रॉफिट में लास्ट में, इसलिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव इंटर कंपनी सेल्स, पी बुक शोड 50,000 एंड 20,000 एज ओइंग टू एस एंड ए रिस्पेक्टिवली एट द ईयर एंड। तो 50,000 और 20,000 एज ओइंग टू एस एंड ए रिस्पेक्टिवली एट द ईयर एंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटर कंपनी सेल्स हुई है, तो जो ऊपर हुई है ये दोनों की दोनों इंटर कंपनी सेल थी। ठीक है, दोनों में अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसकी वजह से डेटर क्रेडिटर के बैलेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है पी की बुक्स में 50,000 और 20,000 का बैलेंस आ रहा है, जो इसको पी को पेमेंट करना है एस को और ए को, तो हमें केवल किससे मतलब है? एस से, क्योंकि बैलेंस शीट तो कंसोलिडेट हो ही नहीं रही एसोसिएट्स की, तो ये 20,000 बेकार है, हमें केवल 50,000 जो है इसी की कॉन्ट्रा करनी है, करंट अकाउंट जिसे बोलते हैं ना अपन, करंट वो है ये। दीज बैलेंस एग्री विद द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द एस एंड ए बुक्स। ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आर मेजर्ड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड, द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन 3,68,000, गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड 1,50,000 एट द रिपोर्टिंग डेट। तो एक बात ये कर दी इसने, फिर आगे कह रहा है इंपेयरमेंट रिव्यू फाउंड द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स टू बी इंपेयर्ड एट द ईयर एंड, फिर दूसरी बात एसोसिएट्स की कर दी। तो पहले तो बात कर दी सब्सिडरी की यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, उसमें भी इंपेयरमेंट दे दी आपकी बार, और फिर बात कर दी किसकी? एसोसिएट्स की। एसोसिएट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हमें कितना? 6 लाख का। ठीक है ना, पूरे साल का है लेकिन फॉर द ईयर। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आप, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एसोसिएट्स को कब एक्वायर किया था इसने? एसोसिएट्स को एक्वायर किया है ऑन 1st मार्च 2007
पी एक्वायर 30% ऑफ ए ऑर्डिनरी शेयर, तो 1 मार्च 2007, और यहां पे क्या चल रही है 30 नवंबर 2007, तो 1 मार्च 2007 से लेकर 30 नवंबर 2007 तक का पोस्ट पीरियड हो गया, ठीक है ना भाई, यही तो कंसोलिडेशन होगा। और कितने महीने हुए ये, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 मंथ, कितने मंथ हुए, 9 मंथ, 6 लाख प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 × 9, ठीक है, तो कितना होगा, 6 / 12 × 9 मीन्स 4.5 लाख, 4.5 लाख प्रॉफिट जो है वो एसोसिएट का है 9 महीने का, उसका 30% शेयर ही हमें कंसोलिडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी करते हैं इन सबको, मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करा दिया पढ़ते समय, बाकी वर्किंग्स तो अपन को करनी ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सबसे पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, सब्सिडरी कंपनी का ही काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, प्री, पोस्ट और टोटल, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ है, शेयर कैपिटल भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी है, देख लेते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो कितना कितना है, शेयर कैपिटल है 500 का, सिक्योरिटी प्रीमियम 80 का और रिटेन अर्निंग 400 का, तीनों को उठा के पोस्ट में लिख देता हूं, 580 और 400, 580 और 400, ठीक है। शेयर कैपिटल सेम रहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम सेम रहता है, रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस कितना है क्वेश्चन में देखो जरा, 8,70,000 था जिस दिन हमने एक्वायर किया था सब्सिडरी को, ठीक है, तो 8,70,000 मतलब 870, बट अब कितना रह गया, 400, मींस 470 का लॉस हो गया, लॉस हो गया कितना आ गया, ये 580 और 870 मतलब 1450 का ये बैलेंस आ गया, हो गया। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट था क्वेश्चन में पहला पॉइंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन के लिए क्या बोला था, प्लांट जो है उसकी फेयर वैल्यू 50,000 से बड़ी हुई है, ठीक है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ही लेते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 दिसंबर 2004 ही थी, वहां पे भी देखो क्लियर, तो रिवॉल्यूशन ऑफ प्लांट। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर क्वेश्चन में डेफर टैक्स भी दे रखा होता और हमें रिवॉल्यूशन पे डेफर टैक्स लगाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, क्या बनेगा, DTA या DTL? तो आपने F7 में भी पढ़ रखा है, SBR में भी पढ़ते हो, ये DTL होता है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो मान लो 30% टैक्स रेट होता तो 50 का 30% 15 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन सकता था और यहां से कम हो सकता था, बट क्वेश्चन में कहा नहीं तो इसलिए अपन कर नहीं रहे, बट जब SBR के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दे देता है, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट पे, चेक करें जरा, क्वेश्चन में बोला था कि रिमेनिंग लाइफ 5 साल है इस दिन पे, इस क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना बताया था, 3 साल, 1 दिसंबर 2004 से लेकर 30 नवंबर 2007, कितने साल होते हैं, 3 साल, तो 50 / 5 × 3 कितने हो गए, 30 का एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। इसके अलावा और क्या है क्वेश्चन में, इसके अलावा बोल रहा है ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एस सोल्ड गुड्स टू पी फॉर 4 लाख एट अ मार्कअप ऑफ 25%, पी हैड अ क्वार्टर ऑफ दीज गुड्स स्टिल इन द इन्वेंटरी एट द ईयर एंड। तो सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड्स बेचा, कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कम होगा कितना, 4 लाख का 25 / 125 × 1/4,
राइट। तो 4 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 20,000। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 20,000। ठीक है, तो ये तीनों माइनस में ही हैं, तो ये हो गया 1500 और ये हो गया कितना 520, राइट। कैसे 470 और 30 520। होल्डिंग और एनसीआई का शेयर देख लो कितना है, 80% है और एनसीआई का 20%, तो ये हटा के 520 का 80% कितना हो गया 416 और ये हो गया अपने पास 20% 104। तो इस तरीके से अपन ने क्या है कि बैलेंसेस निकाल लिए एक बार पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के हिसाब। अब चलते हैं कहां पे, वर्किंग नोट सेकंड बना लेते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन। ओके, पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमने निकाली थी, आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी सब्सिडरी के केस में, 1700 निकाला था, ठीक है वही रहेगा, प्लस एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पे दे रखा था, एनसीआई बोल रहा है एनसीआई मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी है 368 माइनस नेट असेट्स ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी 1500। तो गुडविल आ गई, ठीक है 1700 368 माइनस 1500 568। गुडविल का साथ में इंपेयरमेंट भी है ना, तो कर देते हैं नॉर्मल बात है, वो आपके लिए इंपेयरमेंट करना, तो गुडविल 1,50,000 से इंपेयर्ड हो गई। तो बैलेंस शीट में गुडविल कितनी जाएगी, बैलेंस शीट में न्यू गुडविल जाएगी 418 की, 150 का 80-20 करेंगे, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट वर्किंग नोट किसका बन जाएगा, एनसीआई का। एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन कितनी थी 368 की, पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस कितने हुए एनसीआई में, ये देखो ये सब माइनस में है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस कितने हुए 104, तो एनसीआई आ गई क्लोजिंग। अच्छा एनसीआई में एक और आइटम है गुडविल, गुडविल का इंपेयरमेंट भी करना है, तो कितना हो गया गुडविल का इंपेयरमेंट 150 का 20 कितना 30 है ना, 150 का 20% 30 264 मतलब 234 की आपकी एनसीआई आ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। अब ये सारे काम तो हो गए किसके, अपने मेन जो सब्सिडरी के दिखा ली, अब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स जो बनेगा वो दोनों के लिए बनेगा, सब्सिडरी और एसोसिएट से रिलेटेड है, इसलिए आपको उसको पैक नहीं करना, मतलब खत्म बंद नहीं करना यहां पे बनाने के बाद, अभी छोड़ेंगे उसको खुला अपन। तो पेरेंट का रिटेन अर्निंग देखो पहले, तो पेरेंट का कितना है रिटेन अर्निंग्स 1145, तो पी का रिटेन अर्निंग्स है 1145। क्या कोई पोस्ट एक्विजिशन शेयर आ रहा है सब्सिडरी से, बिल्कुल आ रहा है, लॉस आ रहा है 416 का फ्रॉम सब्सिडरी, ठीक है। क्या कोई गुडविल का इंपेयरमेंट है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, 150 का 80% कितना होता है 120, तो गुडविल का इंपेयरमेंट भी हो गया। क्या इसको बंद कर सकते हैं अभी, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एसोसिएट का भी काम बाकी है। चलो एसोसिएट का चालू कर देते हैं यहां पे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कितना बैलेंस है, कॉस्ट कितनी थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की, आपने निकाली थी पहले 400, क्यों, क्योंकि 30% शेयर एक्वायर करे थे
250 का 30% कितना हुआ 75, चार शेयर दिए हर तीन शेयर के बदले 100 शेयर दिए, मतलब हर शेयर पांच का, तो 500 आपने एंट्री भी पास कर रखी है। ये देखो ये रही एंट्री, तो कॉस्ट एसोसिएट से कितनी 500। अब एडजस्टमेंट्स करने हैं ध्यान से। पहला एडजस्टमेंट तो एसोसिएट का प्रॉफिट हमने ये निकाला था 6 लाख इंटू कितना करना पड़ेगा 9/12। 9/12 क्यों वापस बता देता हूँ, हमने इसको एक्वायर कब किया है 1 मार्च 2007 और बैलेंस शीट बना रहे हैं 30th नवंबर की। 1 मार्च से लेकर 30th नवंबर 9 मंथ होते हैं, ठीक है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो इंटू 9/12 इंटू हमारा शेयर कितना है, केवल 30% का हमारा शेयर है, तो 6 लाख इंटू 9/12 450,000 का 30%, मतलब 1,35,000 जो है वो आ जाएगा बैलेंस। पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स, ठीक है, तो प्रॉफिट है तो यहां पे चला जाएगा। और एंट्री क्या हुई इसकी, डबल एंट्री, डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, तो पोस्ट शेयर यहां पे भी आएगा 135 का, इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का भी बैलेंस बढ़ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा एक दो एडजस्टमेंट और है, जैसे एसोसिएट्स ने गुड्स बेचा पेरेंट को 1,50,000 में, ये गुड्स थे जबकि 1 लाख के, पेरेंट के पास अभी भी 90,000 के गुड्स बचे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से, और वो कॉस्ट टू पेरेंट है, ऑब्वियसली कॉस्ट टू पेरेंट है, कॉस्ट टू एसोसिएट थोड़ा दे रखा है, ठीक है। यहां पे देखो 1,50,000 में गुड्स बेचा है, 1 लाख की कॉस्ट है, क्लियर, और स्टॉक कितना बच गया आपके पास 90,000 का स्टॉक बच गया, तो 50,000 का प्रॉफिट है 1,50,000 के गुड्स पे, तो 90,000 के गुड्स पे कितना प्रॉफिट रहा होगा नॉर्मल यूनिटरी मेथड, आप तो वैसे ही प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, तो 30,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन लेकिन जो गलती होती है वो मल्टीप्लाई नहीं करते स्टूडेंट, अनरियलाइज प्रॉफिट में हमेशा परसेंटेज लेना होता है, क्योंकि पूरा शेयर थोड़े है, पूरा 30,000 का प्रॉफिट थोड़े अटक रहा है, हमारा तो हिस्सा केवल 30% ही है उसमें, ठीक है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कहां कहां से लेस होगा, यहां से 9,000 का, और इन्वेस्टमेंट्स में से भी कम हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट 9,000 का। और क्या है, और क्वेश्चन में बोला था इंपेयरमेंट रिव्यू फाउंड द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स टू बी इंपेयर्ड बाय 15,000 एट द ईयर एंड। इंपेयरमेंट हो गया, ये ऑलरेडी 30% के इन्वेस्टमेंट्स पे हुआ है, तो इसका 30% नहीं करते दोबारा, ठीक है, इंपेयरमेंट। एंट्री भी बताई थी मैंने आपको क्या होती है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्लियर। तो अब चेक कर लो 1145 माइनस 416 माइनस 120 प्लस 135 माइनस 9 और माइनस 30 मीन्स 705, 500 प्लस 135 माइनस 9 माइनस 30 मीन्स 596। तो ऐसे करके आपने किया। अब आते हैं CBS पे। CBS में ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे की तरफ बना लेता हूँ, मेरे को थोड़ी सी आसानी रहेगी यहाँ पे। चलो देखते हैं पहले क्या है प्रॉपर्टी। एडजस्टमेंट तो प्लांट में था, तो प्रॉपर्टी में तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो 1300 और 850 कितना होता है भाई बताओ, ये होता है 2150। प्लांट, प्लांट 450 और 210, तो 450 और 210 मतलब ये हो गया 660।
प्लस 50,000 का रिवॉल्यूशन किया था और 30,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगाया था, याद है? 50 का रिवॉल्यूशन, 30 का डेप्रिसिएशन, तो 660 प्लस 50 माइनस 30 मींस 680 की प्लांट की वैल्यू आ गई। प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट्स, पहले तो एसोसिएट वाला इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, फिर अदर इन्वेस्टमेंट करके डाल देंगे, ठीक है? एसोसिएट वाला इन्वेस्टमेंट कितना था? ये था 596 का। फिर अदर इन्वेस्टमेंट करके लिख दो, ये है अदर इन्वेस्टमेंट 125 के, फिर करंट असेट्स में इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में 550 और 230, इन्वेंटरी में 550 और 230 780, बट अनरियलाइज प्रॉफिट भी था। अनरियलाइज प्रॉफिट कौन सा वाला लेस करोगे? केवल ये एसोसिएट वाला तो एडजस्ट हो गया, कहां पे इन्वेस्टमेंट्स आप ऑलरेडी कम कर चुके हो, ठीक है ना? तो केवल ये कितना था? ये आया था अपने पास 20,000 का, तो जाएगा 760। फिर रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, ₹300 और ₹340 कितना होता है? 640। लेकिन एक कॉन्ट्रा आ रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ अवर पी शोड 50,000 एज ओइंग टू एस, ठीक है? तो केवल यही लेनी है, तो 640 माइनस 50 मींस 590 की कैश, 120 और 50 कितना? 170। एक आइटम रह गया, बताओ कौन सा रह गया? गुडविल, ठीक है? सबसे ऊपर ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गुडविल को। गुडविल कितना रह गया? गुडविल था हमारा 418 का, क्लियर? अब आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला आइटम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इस क्वेश्चन में गलती होने के पूरी पूरी चांसेस हैं, बताओ क्यों? क्योंकि एक जनरल एंट्री हमने दोबारा करी है, तो 1800 तो यही है ही शेयर कैपिटल। उसके अलावा हमने ये 400 एसोसिएट्स को जो शेयर दिए थे ना, उसकी एंट्री पास नहीं करी थी, 1900। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें भी गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, 250 प्लस क्या? ये देखो, ये 400 ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो गया? 650, 400 ही है ना। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग कितनी थी? रिटेन अर्निंग थी आपकी 705, फिर एनसीआई कितना है? एनसीआई है अपना 234, फिर एनसीआई के बाद लोन नोट्स 500 और 300, 800। फिर करंट लायबिलिटी में पेबल्स 520, 330 और ये 50, ये घट जाएंगे ना कॉन्ट्रा वाले, तो 520, 330 माइनस 50 कितना हो गया? 800। दो बार 800 आ गया, ठीक है। फिर टैक्सेशन 330 और 70 मतलब कितना हो गया? 400 मीन्स 400। चेक करें टोटल, 418, 2150, 680, 596, 125, 760, 590,
और 170, 5489, 1900, 650, 705, 234, 800, 800 और 400, 5489। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई। क्लियर? तो आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करिए, क्वेश्चन हमने थोड़ा डिटेल में किया है, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग स्टूडेंट ACCA SBR का एसोसिएट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि हम F7 के क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, अब हम करते हैं। द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बैकअप टाउनले एंड रिश्वर्थ एज एट 31 मार्च 2007 आर एस फॉलो। तो हमें तीन कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी है, ऑब्वियसली होल्डिंग होगी, ये सब्सिडरी होगी और एसोसिएट होगी, नॉर्मल पैटर्न यही रहता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, पहली बार देखो क्या आया अपने बुक्स में, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, रिसेबल्स, कैश, सारी की सारी एसेट्स, इक्विटी में शेयर्स ऑफ 25 सेंट ईच, रिजर्व्स में शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल 2006 की और 31 मार्च 2007 की ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो 31 मार्च 2007 का ही बैलेंस शीट दे रखी है हमें, और देखो ये 31 मार्च 2007 की रिटेन अर्निंग्स है। करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पे आपको छोटा छोटा दिख सकता है, तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स या PPTs रहती है, तो आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, बैकअप एक्वायर्ड 1.6 मिलियन शेयर इन टाउनले ऑन 1 अप्रैल 2006 पेइंग 75 सेंट पर शेयर। आपको ध्यान है कि 31 मार्च 2007 की बैलेंस शीट थी। बैकअप ने टाउन को कब एक्वायर किया है? 1 अप्रैल 2006 को, बाय पेइंग 75 सेंट पर शेयर। ऑन 1 अक्टूबर 2006 बैकअप एक्वायर्ड 40% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ रिश्वत फॉर 4 लाख। ठीक है, तो इसने एसोसिएट्स के 40% शेयर परचेज करे हैं, और यहाँ पे परसेंटेज तो मेंशन नहीं है, तो निकाल लेते हैं, देखे जरा कितने शेयर्स हैं हमारे टाउनले कंपनी के। 500 कैपिटल है अमाउंट में, 25 सेंट का एक शेयर है, तो डिवाइड कर दो, 500 डिवाइडेड बाय 0.25, तो कितना हो जाएगा, 2000 शेयर्स। ठीक है, 2000 में से हमारे पास कितने शेयर हैं, 1.6 मिलियन, मतलब कितना हो गया, 1600 शेयर्स। तो 1600 डिवाइडेड बाय 2000 × 100 मीन्स हमने 80% शेयर एक्वायर करे हैं सब्सिडरी कंपनी के अंदर। ओके, और 1 अक्टूबर को हमने 40% शेयर एक्वायर करे 4 लाख में, और ये जो 1600 शेयर्स हमने परचेज करे हैं, इसके लिए पेमेंट कैसे, इस किस तरीके से किया है, 75 सेंट पर शेयर। तो 1600 × 0.75 कितना होता है, चेक करो, ये होता है 1200, 1200 मींस सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट कितना है, 1200 का। और क्वेश्चन में बैकअप ने जो शेयर परचेज करे हैं वो 400 के परचेज करे हैं, ठीक है, एसोसिएट के अंदर, तो 1200 प्लस 400 कितना हो गया, 1600 का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कैसे, 1200 तो ये जो होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर शेयर एक्वायर करे उसकी कॉस्ट, और होल्डिंग ने जो एसोसिएट में एक्वायर करे उसके 400, तो 1600 हो गया। और इन्वेस्टमेंट्स भी देखोगे आप तो इसने बिल्कुल एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं कितने के, 1600 के। ठीक
ठीक है ना, तो ऐसी वर्किंग कर ले करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन इन IAS 38। बोल रहा है कि इसको राइट ऑफ कर दो, इंटेंजिबल असेट्स का ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। ठीक है, रिसर्च का तो खास सारा खर्चा अपन वैसे भी P&L में डालते ही है, और बोल रहा है कि डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसको भी P&L में डाल दो, राइट ऑफ कर दो। द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ टाउनले रिलेटेड टू प्रोजेक्ट डेट वॉज कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2005। बोल रहा है कि ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है ये 1 अप्रैल 2005 को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उसके उससे रिलेटेड है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द वैल्यू ऑफ द कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर वॉज 80,000। क्योंकि ये जो बैलेंस शीट में आ रहा है मतलब ये कैपिटलाइज करा हुआ एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस दिन शेयर एक्वायर करे थे ना उस दिन कितने का एक्सपेंडिचर था, ये कैपिटलाइज 80,000 का था, और अब कितने का हो गया 2 लैक्स का। ठीक है ना, 2 लैक, तो 1,20,000 का एक्सपेंडिचर मतलब बाद में कैपिटलाइज किया है। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन IAS 38। बोल रहा है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है क्राइटेरिया तो मीट कर नहीं रहा, तो उसको राइट ऑफ कर दो। इनका अकाउंटेंट जो था वो उसको अकाउंट्स आती नहीं थी, उसने उठा के कैपिटलाइज कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग द इन्वेंट्री ऑफ बैकअप इंक्लूड गुड्स एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ $2 लाख परचेज फ्रॉम टाउनले। सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा, ठीक है ना, टाउनले ने बैकअप को गुड्स बेचा है, ठीक है ना। इन्वेंट्री ऑफ बैकअप इंक्लूड्स, तो सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट जो होगा वो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से कम करेंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स में से एडजस्ट करेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। द इन्वेंट्री ऑफ रिश्वर्थ इंक्लूड्स गुड्स एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 1,25,000 परचेज फ्रॉम बैकअप। तो बी कंपनी से 1,25,000 के गुड्स जो है परचेज करे गए हैं जो आर कंपनी के स्टॉक में आ रहे हैं। ऑल द ट्रांसफर वर एट कॉस्ट प्लस 25%। तो सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन तो एसोसिएट से रिलेटेड हो गया, और फर्स्ट वाला सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा। बाद में तो फिर ये अपने पास प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। द रिसीवेबल्स ऑफ बैकअप इंक्लूड एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम टी ऑफ 2,50,000। दिस डज नॉट एग्री विद द करस्पॉन्डिंग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ टी ड्यू टू अ कैश पेमेंट ऑफ 50,000 मेड ऑन 29 मार्च। बोल रहा है कि जो बैकअप कंपनी है वो तो 2.5 लाख मांगती है टी से, टाउनले से, लेकिन जो टाउनले है वो बोल रही है कि मैंने तो 50,000 का पेमेंट कर दिया। तो टाउनले के बुक्स में पेबल्स कितने के आ रहे होंगे, 2 लाख के, क्योंकि उसने तो 50,000 का पेमेंट कर दिया कैश इन ट्रांजिट कुल मिला के, और डेटर्स में से कम हो जाएंगे वो अपन को पता है, कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट है ये। फिर क्या बोल रहा है, इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू द एनसीआई यूजिंग द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई इन द टाउनले वॉज 95,000। प्रिपेयर बैकअप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2007। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। पहले किसका काम करेंगे, सब्सिडरी का, फिर एसोसिएट्स का। ठीक है, तो प्री, पोस्ट और टोटल चेक करो जरा क्या क्या है सब्सिडरी के पास। सब्सिडरी के पास ये तीन चीजें हैं, ठीक है, और ये भी है शेयर कैपिटल भी, सॉरी ये सब चारों चीजें हैं। तो शेयर कैपिटल 500, प्री और टोटल दोनों में सेम आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, 125,125, ये भी सेम आएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स,
क्वेश्चन में देखो एक्विजिशन कब किया है, 1 अप्रैल 2006 को, ठीक है। तो प्री पीरियड अप टू कब तक हो गया, 1 अप्रैल 2006, और 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 तक कौन सा पीरियड हो गया, पोस्ट, मतलब एग्जैक्टली 12 महीने, तो टाइम एडजस्टमेंट तो नहीं होगा, राइट। लेकिन मुझे रिटेन अर्निंग चाहिए, कि रिटेन अर्निंग देखो कितना इसने स्मार्ट तरीके से दे दी, बोला कि 1 अप्रैल 2006 को रिटेन अर्निंग्स थी 380, फिर बाद में हो गई 400 की और बढ़ गई, तो 380 और 400 कितना हो गया, 780 तो 380 यहां पे और 400 यहां पे, ठीक है, क्लियर। अब तो 500 प्लस 125 प्लस 380, 1005 और 400 कितना हो जाएगा, 1405, डन। फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मेन एडजस्टमेंट है, क्या करेंगे बताओ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, बोल रहा है कि इसने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बोल क्या रहा है, दिख भी रहा है, इसने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करके रखा है 200 का जो आज आ रहा है, बोल रहा है नहीं करना था, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। तो हमें ये 200 का जो एक्सपेंडिचर है वो हटाना पड़ेगा, बुक्स में से राइट ऑफ करना पड़ेगा, असेट्स है तो P&L अकाउंट डेबिट या रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एंट्री क्या होगी, जो बैलेंस शीट में अकाउंट आ रहा है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का वो क्रेडिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बोल रहा था कि 80,000 का डेट ऑफ एक्विजिशन पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा था, तो बाकी 120 कब आ रहा होगा, पोस्ट पीरियड में, सिंपल, ठीक है। अब इन्वेंटरी ऑफ बैकअप इंक्लूड्स अ गुड्स एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 2 लाख परचेज फ्रॉम टाउनले, टाउनले सब्सिडरी कंपनी, तो टी ने बी को गुड्स बेचा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से कम होगा, तो 2 लाख × 25 / 125 लिखा ना, ऑल द ट्रांसफर वर एट कॉस्ट प्लस 25%, तो 1/5 हो जाएगा, मतलब 40,000 हो गया शायद, तो 40,000, तो अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, टोटल नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दिख नहीं रहा, तो बस अब बैलेंस लगा लो, 1005 - 80 = 925, 400 - 120 - 40 कितना हो गया, 240, ठीक है। होल्डिंग और एनसीआई के रेशियो में डिवाइड कर दो, होल्डिंग के पास शेयर कितने थे, 80%, ठीक है, तो 80 और 20 के रेशियो में 240 का 80% 192, और 240 का 20% 48, सही है। नेक्स्ट वर्किंग नोट किसका बनेगा, गुडविल कैलकुलेशन का, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, बताओ कितना इन्वेस्ट किया आपने, 1600 शेयर परचेज करे थे 0.75 में, ठीक है, तो 1200 अपन पहले कैलकुलेट कर चुके थे, 1200 आपने इन्वेस्ट किया, प्लस एनसीआई एट एक्विजिशन डेट कितना था, क्वेश्चन में गिवन है 95,000, ठीक है, माइनस नेट असेट्स एट एक्विजिशन कितना है, 925, कोई इंपेयरमेंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 1295 - 925 मींस 370 गुडविल आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज एनसीआई,
एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितना है? ऊपर से पता लग रहा है 95। पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस कितना हुआ? 48। ठीक है, तो 95 प्लस 48 मींस 143। फिर बना लेते हैं कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का एक स्टेटमेंट छोटा सा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आइटम आएगा? चेक कर लो रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट, के पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है। कितनी है पेरेंट की रिटेन अर्निंग? बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स ये दोनों है, ये तो पिछले साल की है और ये करंट ईयर की है। ठीक है, तो 2300 प्लस 1760 कितना हुआ? 4060। पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम सब्सिडरी, कि सब्सिडरी से पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना मिला? कितना मिला? 192। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। ठीक है, इसको पैक नहीं करते पहले, अब आगे बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, मतलब एसोसिएट्स का भी काम करना चालू कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, देखो ये बैकअप एक्वायर्ड 40% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ आर फॉर 4 लाख, मींस कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कई चीजें एक ध्यान रखनी है। चेक करते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एसोसिएट का कितना है। चेक करो कि एसोसिएट को एक्वायर कब किया था? 1 अक्टूबर 2006। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 6 महीने। ठीक है, और 6 महीने के अंदर आप देखो करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा हमें, रिटेन अर्निंग्स जो है करंट ईयर में तीनों की दे रखी है, इसमें से एसोसिएट की जो रिटेन अर्निंग्स है एक साल की, मतलब एक साल का प्रॉफिट है 150 है। ठीक है, तो 150 अगर पूरे साल का प्रॉफिट है तो 6 मंथ्स का कितना होगा? ऑब्वियसली 75 हो गया। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 2, उसमें हमारा शेयर कितना है जो पेरेंट है? 40% मीन्स 30 का शेयर है। तो प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स कितना? 30। और इधर भी प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स कितना? 30। सही है। इसके अलावा एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है, द इन्वेंट्री ऑफ आर इंक्लूड्स गुड्स एट द ट्रांसफर प्राइस ऑफ 125 परचेज फ्रॉम बी। ठीक है, तो 125 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 40%। ठीक है, अंडरलाइज प्रॉफिट ध्यान रखना 40%, क्यों? क्योंकि शेयर ही एसोसिएट्स का 40% है। तो कितना आएगा अंडरलाइज प्रॉफिट? 10 का अंडरलाइज प्रॉफिट जो आएगा, एक तो रिटेन अर्निंग्स में से लेस हो जाएगा और एक इन्वेस्टमेंट्स के बैलेंस में से लेस हो जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, क्लियर? तो बस ये कितना हो गया? 420। यहां पे 4060 प्लस 192 प्लस 30 माइनस 10 मींस 4272। ओके, अब हम बना लेते हैं क्या? CBS कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE।
पीपीई में ये दोनों आइटम्स ऐड हो जाएंगे और कुछ है ही नहीं। तो 3820 प्लस 4425, 8245, कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, राइट ऑफ कर दिया आपने पूरा 200। इन्वेस्टमेंट्स, केवल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आएंगे। कितने के आएंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स बताओ? आपने बैलेंस निकाला था 420 का, फिर गुडविल आ जाएगी, गुडविल लिख दो। गुडविल कितनी है? 370। फिर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी एक बार तो ये दोनों ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 2740 और 1280, ये होता है 4020। बट इसमें से अंडरलाइज प्रॉफिट जो सब्सिडरी वाला है, होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में, वो लेस करेंगे, ठीक है ना। एसोसिएट वाला क्यों लेस नहीं किया? क्यों वो एसोसिएट वाला क्यों लेस नहीं करते? क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट में से लेस हो जाता है। इन्वेस्टमेंट में ही नेट असेट्स इंक्लूड होती है और नेट असेट्स में ही स्टॉक इंक्लूड होता है, इसलिए, ठीक है ना। होप ये आपको पता है, अपन ने डिस्कस भी करा था। तो कितना था अंडरलाइज प्रॉफिट, जरा चेक करो। अंडरलाइज प्रॉफिट था 40 का, 4020 माइनस 40 मींस 3980। फिर रिसीवेबल्स, माइनस रिसीवेबल्स में एक अमाउंट है, द रिसीवेबल्स इंक्लूड द अमाउंट 250, तो 250 ये लेस कर देंगे यहां से, ठीक है। कैश इन ट्रांजिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो 2940 माइनस 250, तो 2690। कैश इन ट्रांजिट, ठीक है, कैश के साथ ही दिखा दो, 1260 प्लस कितना है? 50, ठीक है। इसको कैश एंड कैश एंड ट्रांजिट करके दिखा दो, तो 1260 प्लस 50 ये हो गया 1310। असेट्स खत्म हो गई सारी। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 4000 शेयर कैपिटल, कोई रेक्टिफिकेशन था ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 800। रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 4272। एनसीआई 143, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स 2120 और 3070, 5190 हुआ। इसमें से लेस करना पड़ेगा मुझे 2 लाख का ट्रेड पेबल्स, है ना, ये 250 माइनस 50, तो माइनस 200 मतलब, तो 4990। ट्रेड पेबल कितना हो गया? 4990, राइट। ट्रेड पेबल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 2260, 2260, और लास्ट में था टैक्स। टैक्स कितना है? 550, ठीक है। जानबूझ के इधर लिख रहा हूं ताकि आपको फिर क्या है, एक ही जगह पे हो जाए आपके लिए, अलग अलग ना आगे पीछे करना पड़े। तो 8245 प्लस 420 प्लस 370
3980 2690 1310, 17015, ठीक है, 4000 + 800 4272 143 4990 2260 और 550, ये आ गया 17015। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लासेस में एसोसिएट का, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट देख लिया है। आज एक क्वेश्चन के थ्रू हम पीएनएल का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो हमारा F7 का जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा एसोसिएट से रिलेटेड, जो हम SBR के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, F7 का है, कापलान का, क्लियर। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर P, S and A, तो पेरेंट सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2008। क्या है? रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, मीन्स ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, PAT। पी एक्वायर्ड 80% ऑफ S सेवरल ईयर्स अगो। पी एक्वायर्ड 30% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ S ऑफ A ऑन 1st October 2006। तो अब आप देखिए यहाँ पे डेट क्या है, 30th September 2008, और एक्विजिशन कब हुआ है, 1st October 2006, मींस 2 साल पूरे हो गए हैं करीबन, या पूरे एग्जैक्टली 2 ईयर्स हो गए, 1st October 2006 से लेकर 30th September 2008 तक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या कुछ मंथली करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द करंट ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर 1 मिलियन एट अ मार्कअप ऑफ 25%। मार्कअप हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट प्लस 25% गुड्स बेचे 1 मिलियन के पेरेंट ने एसोसिएट्स को, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकलेगा। एट द ईयर एंड ए स्टिल हैड 1/4 ऑफ दीज गुड्स इन द इन्वेंटरी, तो 1/4 पे निकलेगा, तो 1 मिलियन मतलब कितना हो गया, थाउजेंड्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो गया, तो 1000 इंटू 25 अपॉन 125 इंटू 1/4 और लास्ट में इंटू 30%। 30% क्यों, क्योंकि शेयर कितना है 30%, और ये जब हम एसोसिएट का प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें से लेस हो जाएगा। एट 30th September इट वॉज डिटरमाइंड दैट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट वॉज इम्पेयर्ड बाय 35,000 ऑफ विच 20,000 रिलेटेड टू द करंट ईयर। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स जो है उसका इम्पेयरमेंट होगा कितना, 35,000 से, उसमें से 20,000 करंट ईयर से रिलेटेड है, तो हमें जो एडजस्ट करना होता है वो करंट ईयर का करना होता है पीएनएल के अंदर, क्लियर। अब जब हम पीएनएल बनाते हैं एसोसिएट का, तो कैसे कंसोलिडेट करेंगे, आपको तो पता ही है, हमने बैलेंस शीट में देखा कि हम लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्टली एसोसिएट का प्रॉफिट पकड़ लेंगे, ठीक है ना, और उस प्रॉफिट को कंसोलिडेट कर देंगे। कहां पे आ जाएगा, जस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे, ठीक है, यहां पे लिख देंगे शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स, ठीक है। कैसे देखते हैं जरा सॉल्यूशन, ये सिंपल सी बातें हैं, बट ना अपन को इनके बारे में पता होना चाहिए। रेवेन्यू, तो रेवेन्यू होल्डिंग और सब्सिडरी का तो कंसोलिडेट होता ही है, तो 8,000 और 4,500 कितना हो गया बताओ, 12,500। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ, 4750 और 2700, 4750 प्लस 2700 मतलब
7470 7450, ये हटा देते हैं। फिर ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितना आया 5050। क्लियर। अब इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पहले हम एडजस्ट कर देते हैं शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स करके, ठीक है, इधर लिखना है आपको। एसोसिएट से कितना शेयर आया बताओ, एसोसिएट से आया हमारे पास 600 का 30%, कितना हो गया 180। बट कुछ हमने नहीं कमा पाए, जैसे पेरेंट ने एसोसिएट्स को गुड्स बेचा, ठीक है। अब यहां पे आपको ये चेक नहीं करना कि पेरेंट ने एसोसिएट्स को बेचा तो अप स्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है, ये सब अपन चेक नहीं करते पेरेंट और एसोसिएट में, तो डायरेक्टली एसोसिएट के प्रॉफिट में से कम कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया चेक कर लो, 1000 × 25 / 125 × 1/4 × 30% मींस 15 का प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, और क्या 20,000 का इंपेयरमेंट, ठीक है, करंट ईयर से रिलेटेड। तो 180 - 15 - 20 मींस 145 का ये शेयर फ्रॉम एसोसिएट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में फाइनेंस कॉस्ट भी यहीं लेस कर देते हैं, 750 और 100, मतलब कितना हो जाएगा 850। तो फाइनेंस कॉस्ट 850, ये ध्यान रखना, ये माइनस होगी और ये प्लस होगा। तो 5050 + 145 - 850 मींस 4345। तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इनकम टैक्स कितना है, 700 और 500 1200। आईटी 700 500 1200, 4345 माइनस किया आ जाएगा 3145 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद आपको इसको एनसीआई और होल्डिंग में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो होल्डिंग और एनसीआई, तो 80% होल्डिंग के पास शेयर हैं, ठीक है ना, और 20% किसके पास है, एनसीआई के पास। तो पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट देख लो, सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है 1200, इसमें कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो 1200 का 20% 240 तो एनसीआई में चला जाएगा, और इसमें से ये लेस कर दो तो 2905 का होल्डिंग के पास आ जाएगा। क्लियर, क्या कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या कि हम लोग लाइन बाय लाइन एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बैलेंस शीट में किया, ऐसे ही पीएनएल में किया, हम डायरेक्टली ये जो प्रॉफिट है इसको पकड़ के इसका जो परसेंटेज होता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया बट क्वेश्चन छोटा ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एसोसिएट के पीएनएल से रिलेटेड है, ठीक है। एसोसिएट और सब्सिडरी दोनों का पीएनएल आएगा, बट अपना मेन ऑब्जेक्टिव एसोसिएट का पीएनएल जो है वो उसके प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बारबी ग्रुप एंड इट्स रिलेटेड कंपनी एज एट 31 December 2008। क्या है बारबी, कैन और एलिस। रेवेन्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स और प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये सारी डिटेल अपन को दे रखी है। यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन है। बारबी एक्वायर्ड 45,000 ऑर्डिनरी शेयर इन कैन अ नंबर ऑफ ईयर्स अगो
कैन हैज 50,000 $1 ऑर्डिनरी शेयर्स, तो 50,000 में से बारबी ने 45,000 शेयर एक्वायर कर लिए, तो बताओ कितना परसेंट हो गया? सिंपल 90%। ठीक है, तो ये जो बारबी है ये होल्डिंग कंपनी है और कैन जो है वो इसकी सब्सिडरी है। बारबी एक्वायर्ड 60,000 शेयर्स इन एलिस अ नंबर ऑफ इयर्स अगो, एलिस हैज 2 लाख $1 ऑर्डिनरी शेयर्स, तो कितना परसेंट शेयर हो गया? 30%। तो एलिस क्या हो गया? एसोसिएट बन गई। ड्यूरिंग द करंट ईयर एलिस सोल्ड गुड्स टू बारबी, मीन्स एसोसिएट ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, पेरेंट को गुड्स बेचा फॉर 28,000। बारबी स्टिल होल्ड सम ऑफ दीज गुड्स इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, द प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड इन दीज रिमेनिंग गुड्स इज 2,000। सबसे अच्छी बात क्या है, आपको डायरेक्टली बता दिया कि प्रॉफिट इन गुड्स में कितना छुपा हुआ है, 2,000 है। ठीक है ना, लेकिन एसोसिएट का शेयर कितना है? 30%। तो हमें प्रॉफिट एलिमिनेट जो करना है, 2,000 का 30% कितना होता है? 600। ठीक है ना, इतना एलिमिनेट करना पड़ेगा। एनसीआई आर वैल्यूड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड, गुडविल एंड द इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट वर इम्पेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। बोल रहा है कि गुडविल और इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पेयर्ड किया है एलिस में और कैन में इस तरीके से। ठीक है, तो एलिस तो जो है वो एसोसिएट है, ठीक है, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट इम्पेयर्ड हुए होंगे और ये इसकी सब्सिडरी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल इम्पेयर्ड होती है। इम्पेयरमेंट ऑफ द सब्सिडरी गुडविल शुड बी चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके अंदर ही इम्पेयरमेंट का खर्चा दिखा दो जो सब्सिडरी गुडविल का है उसका, और एसोसिएट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ इम्पेयर्ड होगी? जब एसोसिएट का जो प्रॉफिट का शेयर लिखते हैं उसके अंदर से माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्लियर। अब सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एसपीएल, ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो रेवेन्यू ले लेते हैं, बताओ जरा कितनी कितनी आएगी, केवल ये दोनों। ठीक है, ये पार्ट को इग्नोर कर दो, हमेशा ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा? 485। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? 185 और 60, तो 185 प्लस 60। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड नहीं था, क्लियर। ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, तो अपन को डायरेक्टली कितना है, 185 प्लस 60 मींस 245 लिख देते हैं। 45 ये हो जाएगा 240, तो आ गया जीपी, क्लियर। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने कितने हैं, 50 और 15 कितने हो गए, 65। इधर एक एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है देखें जरा, इंपेयरमेंट ऑफ सब्सिडरी गुडविल शुड बी चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सब्सिडरी गुडविल का इंपेयरमेंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो, तो कितना है, 3,000 का, तो 65 प्लस 3 68,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 240 माइनस 68 172 आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। ठीक है, इसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हो, क्लियर। अब इसी में ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम सबसे, इसका एसोसिएट का क्या नाम है, एलिस, एलिस या एसोसिएट, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, कितना है बताओ, 20 का प्रॉफिट है एसोसिएट का, तो 20 का
30% कितना होता है? 6। 6 में कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, 6 का प्रॉफिट है, माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस तो वैसे करेंगे नहीं। एक तो ये 600 जो है, ठीक है, और ये 600 तो होगा नहीं, थाउजेंड्स में डिवाइड हो जाएगा जब, क्योंकि सारे फिगर किस में है? थाउजेंड में, तो हो जाएगा 0.6, ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है? 2000, 2000 का 30% कितना? 600, 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.6। ये 0.6 किस चीज का लेस करेंगे हम? अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है ना। और क्या आएगा? इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट कितना है? 2000, ओके, ये लेस कर दिया, तो 6 माइनस 0.6 और माइनस 2 मीन्स यहां पे हो गया 3.4, ठीक है। तो 172 प्लस 3.4 175.4, इसमें से लेस कर दीजिए टैक्सेशन, टैक्स कितना है? 50 प्लस 12 कितना हो गया? 62। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 113.4। क्वेश्चन में एक छोटा सा एडजस्टमेंट और बाकी है, होल्डिंग और एनसीआई में डिवाइड कर दो, कितना रेशियो है? 90 और 10 का, ठीक है। तो लेकिन अब की बार देखो, सब्सिडरी का प्रॉफिट डायरेक्टली मैं 13 का 10% नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कुछ इंपेयरमेंट लेस हुआ है गुडविल का, ठीक है ना, कितना था वो? 3000 का। तो 13 का जो प्रॉफिट है उसमें से 3 लेस किया हमने, कितना आया? 10, 10 का 10%, क्यों 10%? क्यों? ये तो 13 माइनस 10, 3 का, सॉरी 13 माइनस 3, 10, 10 का 10% कितना हो गया? 1, ठीक है। तो 1 यहां पे आ गया और 113.4 टोटल है, तो ये कितना हो गया? 112.4 या फिर 112.4। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत छोटा वीडियो बन रहा है 8-9 मिनट का, बट जो है वो अपन को इसको करना ही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया था, उसमें केवल पीएनएल का कॉन्सेप्ट था। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसमें पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों का कॉन्सेप्ट कंबाइंड है, तो ये हमारे लिए एक लास्ट क्वेश्चन होगा एसोसिएट का, जिसमें हम लोग ये दोनों चीजें एक साथ पढ़ेंगे, और इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे अगर नहीं है तो अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2009। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे रखा है। नॉन करंट असेट्स में पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो 87,98। स्टूडेंट थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, कापलान की बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, ये 98 नहीं होगा, 88 होगा। कैसे? देखिए जब आप 88 और ये 40,000 यहाँ पे दे रखा है करंट असेट्स में, इनको ऐड करेंगे तभी बैलेंस शीट का टोटल मैच करेगा, ठीक है। तो 88 प्लस 40 कितना होता है? 128। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक्स में भी, अगर आपके बुक्स में गलत दे रखा है तो 88 और 40। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट्स, सब्सिडरी में 100% इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग का, तो अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में? एनसीआई की कैलकुलेशन नहीं होगी। एसोसिएट से 30%, फिर करंट असेट्स, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और लाइबिलिटी।
स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009। देख लो आप दोनों की दोनों ईयर सेम है। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट फॉर द ईयर। द शेयर इन सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2006। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 30 जून 2009। शेयर्स सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों में ही एक ही दिन एक्वायर करे हैं, 1 जुलाई 2006। मीन्स यहां पे मैं बोलूं आपको कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। मीन्स 3 ईयर्स का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो गया। When the retained earning of subsidiary were 15,000 and the retained earning of associates were 10,000. At the date of acquisition, the fair value of subsidiary non-current assets, which at that time had a remaining useful life of 10 years, exceeded the book value by 10,000. तो ये fair value adjustment हो गया। हमने ऐसा adjustment बहुत बार किया है holding subsidiary के अंदर के subsidiary का जो profit है वो 10,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि असेट्स जो है वो रिवैल्यू करनी पड़ेगी और 10 साल की इसकी रिमेनिंग लाइफ बाकी है। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है? 3 साल, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन कंसीडर होगा। ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू होल्डिंग फॉर 10,000 एट अ मार्जिन ऑफ 50%। एट द ईयर एंड होल्डिंग हैड सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स। बहुत ही ध्यान से, कई स्टूडेंट इसको सोल्ड की जगह आदत हो जाती है ना, अब होल्ड पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, ठीक है, तो एसोसिएट्स की बात नहीं कर रहा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। और 50% का मार्जिन लिया, तो 10,000 का 50% कितना होता है? 5,000। और होल्डिंग ने इसमें से 80% गुड्स बेच भी दिए, तो बचे कितने होंगे? 20%। तो हमें तो केवल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बचे हुए गुड्स का ही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा? 1,000 का। ध्यान देने वाली बात है। एट 30 जून 2009 द गुडविल इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरी हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट ऑफ विच करंट ईयर लॉस वॉज 1200। बोल रहा है कि गुडविल का इंपेयरमेंट सब्सिडरी से रिलेटेड 30% हो गया। एट 30 जून 2009 द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स हैड बीन इंपेयर्ड बाय 450 ऑफ विच करंट ईयर लॉस वॉज 150। तो ये अलग पैरा है, ये अलग पैरा है, ठीक है ना। इंपेयरमेंट की बात कर रहा है ये पूरा पैरा। प्रिपेयर होल्डिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो दोनों ही काम करने हैं। तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम पीएनएल की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। बैलेंस शीट बनाने के लिए वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो वर्किंग नोट्स बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट किसका बनता है बताओ? स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, ठीक है। इसको आप स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स भी लिख सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाइबल असेट्स आपको याद है ना, कि जैसे गुडविल जो होती है वो आइडेंटिफाइबल असेट्स नहीं होती है। आइडेंटिफाइबल क्या होती है? विच कैन बी कैपेबल ऑफ बींग सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो ऐसे करके, बट अगर आप स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स भी लिखते हो तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आप कई बार देखोगे स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स करके लिखा होता है। ये बात मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी बात है ना, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। चलो अब आते हैं शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। किसका? सब्सिडरी का। देखो शेयर कैपिटल कितनी है? 75,000। तो ये तो प्री में भी सेम रहती है। और रिटेन अर्निंग कितनी है? 51,000। रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग में कितनी थी? क्वेश्चन में बोला था कि शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2006, रिटेन अर्निंग्स जो थी सब्सिडरी की वो 15,000 थी उस टाइम पे,
ठीक है। तो बाकी क्या हो गया, 51 माइनस 15 कितना, 36, 36,000 पोस्ट पीरियड की हो गई। तो 75 प्लस 15 कितना हुआ, 90,000 और ये 36,000। अब आते हैं रिवैल्यूएशन के गेन पे। क्वेश्चन में ध्यान है, रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ कह रहा था। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी नॉन करंट असेट्स विच एट दैट टाइम हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर एक्सीडेड द बुक वैल्यू बाय 10,000। तो 10,000 से रिवॉल्यूशन का गेन हो गया, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करना पड़ेगा इस पे। कितने का, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 3 साल था इसलिए। क्लियर, तो कितना हो गया, 3,000। और क्या है, सब्सिडरी ने गुड्स बेचा था होल्डिंग को, तो अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो गया। कहां पे कंसीडर करते हैं, यहां पे अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, आप प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये माइनस करके दिखाना है, ध्यान रखना। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 1,000 का। ठीक है, कैसे आया, 10,000 का 50%, 5,000 का 20%, कितना, 1,000। बस और कुछ है नहीं, तो ये 1,00,000 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, और 36 माइनस 4 कितना हो गया, 32,000। अच्छी बात क्या है, सारा का सारा शेयर किसका है, होल्डिंग का। ठीक है, क्या यहां पे ये इशू नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स के बाद फिर बनेगा, बताओ क्या बनता है, गुडविल कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, जरा चेक करो पहले इन सब्सिडरी। अभी अपन किसका काम करेंगे, सब्सिडरी का, उसके बाद आएंगे एसोसिएट्स पे। ठीक है, तो जरा चेक करो कितना है इन्वेस्टमेंट, 1,15,000 प्लस एनसीआई। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि 100% शेयर किसके पास है, होल्डिंग के पास। नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 1,00,000। तो गुडविल कितनी की आ गई, 15,000 की। क्वेश्चन में शायद इंपेयरमेंट भी था, कितना था बताओ, बोल रहा था कि 30% जो है वो ओरिजिनल अमाउंट का गुडविल इंपेयर्ड हो गया, इसमें से करंट ईयर 1200 है, तो करंट ईयर तो पीएनएल में जाएगा, और अभी तो 30% क्यूमुलेटिव फिगर है, तो वो इधर लेस कर देंगे, तो 4500। तो बैलेंस शीट में कितना फिगर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा 10,500। ठीक है, एनसीआई का वर्किंग नोट बनाएंगे नहीं अपन, एनसीआई क्योंकि है ही नहीं। वर्किंग नोट नंबर 3, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अब सबसे पहले रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट चेक करो कितना है। पेरेंट का रिटेन अर्निंग है 89,000, होल्डिंग का मतलब, प्लस शेयर फ्रॉम सब्सिडरी। सब्सिडरी से क्या मिला, सब्सिडरी से मिला 32,000। ठीक है, माइनस इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, सब्सिडरी की गुडविल थी ना, कितनी इंपेयर्ड हुई थी, 4500। ठीक है, 4500, तो ये भी लेस हो जाएगी यहां पे। और हम लोग इसको खुला छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का भी बैलेंस निकालना पड़ेगा।
चेक करो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15,000 की एसोसिएट्स पे। क्लियर। अब ऐड करेंगे इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स, और कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, पोस्ट प्रॉफिट है ना, और ये एक साल का नहीं होता क्योंकि अपन बैलेंस शीट जो बना रहे हैं क्यूमुलेटिव होती है, तो पूरा का पूरा पोस्ट प्रॉफिट जो होगा आज तक का लेंगे, ठीक है ना। यही चीज हमने देखने के लिए एसोसिएट्स का बैलेंस शीट का क्वेश्चन लिया है, ताकि अब आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। तो रिटेन अर्निंग देखो एसोसिएट की कितनी है 34,000, ठीक है, लेकिन ये तो आज का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसमें से, ओपनिंग है 10,000, तो 34 माइनस 10,000 इसका कितना 30% कितना हो जाएगा, 24,000 का 30% 7,200, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ गया और रिटेन अर्निंग भी बढ़ गया शेयर फ्रॉम एसोसिएट। अब गुडविल का इंपेयरमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का इंपेयरमेंट भी है, तो इन्वेस्टमेंट का इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट चेक करें जरा क्यूमुलेटिवली कितना है, बोल रहा है कि द इन्वेस्टमेंट इज इंपेयर्ड बाय 450 से इंपेयर्ड हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंपेयर्ड, डबल एंट्री करते चलोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, गलती होने के चांसेस ही नहीं है। चेक कर लो 89,000 प्लस 32,000 माइनस 4,500 प्लस 7,200 माइनस 450, तो 123,250 आपका बैलेंस आ गया। इधर 15,000 प्लस 7,200 माइनस 450, तो 21,750 का आपका ये बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपने जो फिगर्स हैं सारे निकाल लिए। अब बना लेते हैं CBS कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं इसको ठीक है, इधर तो जगह है नहीं तो इधर ही बनाते हैं CBS। आप हमेशा क्या लिखें, एज एट जो भी लिखा है 30th June 2009 जैसे यहां पे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 87 और 88, एक तो ये दोनों हो जाएगा, और 10,000 प्लस भी था तो वो प्लस कर देंगे रिवॉल्यूशन का गेन और 3,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 87 प्लस 88 प्लस 10 माइनस 3 तो कितना हुआ 182। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना हो गया 182,000। क्लियर। इन्वेस्टमेंट केवल कौन सा आएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ठीक है, गुडविल भी लिख सकते हो आप पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कितना हो गया 21,750, गुडविल कितनी हो गई, गुडविल हो गई 10,500 की, करंट असेट्स भी थी क्वेश्चन में, कितना है 74,040 और एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना 1,000, तो 74 प्लस 40 माइनस 1 तो कितना हो गया 113,000। टोटल करके देखो 182 प्लस 21,750 10,500 और 113 मींस 327,250। इसके बाद शेयर कैपिटल आ जाएगी, शेयर कैपिटल कितनी है 2,00,000 की,
रिटेन अर्निंग्स आ गई 123,250। क्या एनसीआई आएगी? नहीं, एनसीआई नहीं आएगी क्योंकि एनसीआई है ही नहीं। और क्या आ सकता है? क्या आएगा मतलब? एक आएगी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी 2+2, 4। ठीक है, लाइबिलिटी में कोई कैंसिल है ही नहीं तो आ जाएगा 4। और कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, रिटेन अर्निंग्स, गुडविल, बस ठीक है। टोटल आगे चेक कर लो तो हो गया 2,00,123,250 + 4,000 मीन्स 327,250 का आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया। क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट एक लर्निंग हो गई हमारी इससे अच्छे से। फिर सीपीएल, कंसोलिडेटेड पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009, राइट। सबसे पहले क्या लेंगे? रेवेन्यू। एक कॉन्ट्रा है क्वेश्चन में, कॉन्ट्रा हटानी पड़ेगी, तो 5,00,000 + 2,00,000 की रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू में से ये जो सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे हैं 10,000 के, उसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी लेस करेंगे। तो 7,00,000 - 10,000 मतलब कितना? 6,90,000। फिर क्या है उसके बाद? कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,00,000 और 140। तो 4,00,000 और 140 कितना हो गया? 540। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,00,000 + 140, मैं एक बार 540 तो लिख देता हूं। 540 में से 10,000 तो कॉन्ट्रा गया, ठीक है। अब जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन है या फिर इंपेयरमेंट है जो सब्सिडरी से रिलेटेड है, वो तो यही आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट में। क्लियर? तो 10,000 तो कॉन्ट्रा चला गया। अब डेप्रिसिएशन कितना था? टोटल 3,000 का डेप्रिसिएशन था, आपको ध्यान होगा। उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेना है अपन को, क्योंकि पेंडल तो करंट ईयर का ही बनता है, गलती मत कर देना ये कभी, ठीक है। डेप्रिसिएशन 1,000 प्लस कर दिया क्योंकि कॉस्ट है ना इसलिए। और गुडविल जो थी उसमें से करंट ईयर का लॉस कितना था? 1,200 का। तो 1,200 का ये भी आ जाएगा गुडविल, ठीक है। साथ में एक अंडरलाइज प्रॉफिट भी है, कितना है? 1,000 का होल्डिंग सब्सिडरी का, तो ये भी यही आएगा। क्लियर? यहां पे स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, 540 - 10,000 + 1,000 - 1,200 और 100, तो 5,33,200 क्या आ गया आपका? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 1,56,800। अब इसमें शेयर फ्रॉम एसोसिएट ऐड करेंगे, ठीक है ना, जस्ट यही ऐड करना है, गलती नहीं करनी है। अब ये करंट ईयर का ऐड होगा लेकिन पूरा नहीं कर देंगे, तो 26,000 का पहले निकाल लेते हैं कितना? 30%, कितना हो गया? 7,800। 26,000 का 30% मतलब 7,800। इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें इंपेयरमेंट लेस करना पड़ेगा। इंपेयरमेंट कितना है? इंपेयरमेंट है इन्वेस्टमेंट पे 150 का, तो 7,800 - 150 मीन्स 7,650। तो 156,800 + 7,650 मीन्स 164,450। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका ये अमाउंट 164,450 का। इसमें से टैक्स लेस कर दें 23 + 21 कितना हो गया? 44।
इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा ये एक साल का ही बनता है और बैलेंस शीट क्यूमुलेटिव बनती है। जो स्टूडेंट इसमें गलती नहीं करेगा उससे कभी भी ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे सारा का सारा होल्डिंग में ही डिवाइड होगा, कोई एनसीआई क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो एनसीआई का शेयर कितना हो गया, जीरो, राइट। तो ऐसे करके ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो एक बार आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सारे के सारे पॉइंट एक साथ कवर हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।